क्या आप जानते हैं मुंबई में जो धोबी घाट है वो दुनिया का सबसे बड़ा धोबी घाट है और यहाँ पर हर रोज़ लगभग 2 लाख कपड़े धोए जाते हैं। अगर आप धोबी घाट के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं धोबी घाट का टूर मैं आपको कराने वाला हूँ। मेरा ये मिशन है कि मैं इंडिया के ऐसे ही हिस्टोरिकल और इंटरेस्टिंग प्लेसेस के ऊपर वीडियो बना के आपको एजुकेट करूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं सूरज जर्नी। तो अभी मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि धोबी घाट ये कितना बड़ा है। एक छोटे से ही एरिया में है लेकिन इतना कंजेस्टेड है और हर रोज़ यहाँ पर लगभग 2 लाख कपड़े धोते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आया हूँ धोबी घाट के अंदर और ये धोबी घाट की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको ब्रिटिश ने बनवाया था लगभग 140 साल पहले। क्यों बनाया था? क्योंकि उनको ब्रिटिश सोल्जर्स के कपड़े धुलवाने थे, इस वजह से इतना बड़ा धोबी घाट बांधा है। और मैं इस वक्त जो बैठा हूँ, एक टाकी है जिसमें अंदर कपड़े धोया जाता है ऐसा। और यहाँ पर जो है पत्थर है जिसपे कपड़ों को ऐसा पटक के उसको साफ़ किया जाता है। और लगभग 800 से ज़्यादा ऐसे क्यूबिकल है यहाँ पर, तो हर क्यूबिकल को ऐसा नंबर दिया गया है। तो धोबी घाट के अंदर ऐसा बोला जाता है लगभग 2 लाख कपड़े हर रोज़ धोया जाता है और पूरे मुंबई से यहाँ पर कपड़े धुलवाने आते हैं बहुत सारे अलग अलग जगहों से। जब भी हम अपने लोकल लॉन्ड्री शॉप में जब भी देते हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो यहीं पर ही आता होगा। बड़े बड़े ऐसे गटरी में आते हैं यहाँ पर धुलवा के वापस ही अपने लॉन्ड्री शॉप में जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे जो अलग अलग जो कंपनीज होते हैं, जैसे रेलवे है, तो रेलवे के जो बहुत सारे जो गंदे बेडशीट्स होते हैं वो धुलवाने आते हैं, और हॉस्पिटल के लॉन्ड्रीज आते हैं, और काफ़ी सारे जो मैन्युफैक्चरिंग जो कपड़ों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, जब कपड़े बन जाते हैं उसके बाद जो पैकिंग होने से पहले एक्सपोर्ट करने से पहले जो धोना पड़ता है वो भी कपड़े आते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग कपड़े यहाँ पर होते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी कि सफ़ेद कपड़ों पे कुछ दाग लग जाता है तो हम हमेशा लॉन्ड्री को देते हैं, तो लॉन्ड्री में वो तो कपड़े वहाँ पर धोते नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पीछे जो भाई साहब है वो स्पेशली दाग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि छोटे छोटे जो दाग होते हैं ध्यान से देख रहे हैं, और उसके बाद ये अपना एक सोल्यूशन होता है उनके पास। सो ब्लीच का एक सोल्यूशन है, उसको वो ब्लीच डाल के कॉइन से रगड़ रहे, फिर उसके बाद उनके पास जो ब्रश है उससे रगड़ रहे और दाग निकाल रहे। सो जैसे कि मैं पहले बताया, ये लगभग 140 साल पुराना जगह है, तो काफ़ी सारे जो यहाँ पर जो सामान है वो भी बहुत पुराना है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हो ये जो ड्रम सा है, कंटेनर है जिसपे पानी भरते हैं, ये आजकल के ड्रम जैसा नहीं है, ये लकड़ी का बना हुआ है। तो ये लगभग एटलीस्ट ये 100 साल पुराना ही है, तब का है जब ब्रिटिश टाइम से ये जब ही शुरुआत हुआ था, ये लकड़ी से बना हुआ, तब से ये ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं लोग। तो दोस्तों, अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये दो टाकी के बीच में मैं बैलेंस बना के खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पर खड़े रहने के लिए सही से जगह नहीं है। मैं आपको बताऊँगा पूरा प्रोसेस कि कपड़े धोने का प्रोसेस क्या होता है। एक्चुअली ये जो पूरा जो टाइम होता है ये लगभग 24 घंटे का ये पूरा सर्विस होता है, जो सबसे पहले जब कपड़े लाए जाते हैं साइकिल पे या फिर सिर पे, वो जो गटरी ऐसा सिर पे रख के लाते हैं, सबसे पहले उसमें लेबलिंग किया होता है कि वो एक यूनिक कोड होता है जिससे उनको मालूम पड़ता है कि कपड़ा कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। तो वो यूनिक कोड वही समझते हैं और वो उसको टैग करते हैं। उसके बाद मेरे पीछे आप ये मशीन और ये जो टाकी आप देख रहे हो, तो पहले तो जब भी शुरू में जब भी मशीन नहीं था तब तो सब हाथ से धोया जाता था, लेकिन अभी क्योंकि मशीन भी है तो ये मशीन को भी यूज़ करते हैं और हाथ से भी धोते हैं। इससे क्या होता है कि स्पीड बढ़ जाता है। सो कपड़े धोने के बाद ये ऐसे जो यहाँ पर जो रोप्स आप ऊपर देख रहे हो इस पर सुखाया भी जाता है। सुखाने के बाद इसको आयनिंग भी करते हैं, इस्त्री करने के बाद फिर से वो जो पैक करके वापस लौटा देते हैं। दोस्तों, जैसे ही कपड़े धोने का हो जाता है, मैंने आपको बताया था वैसे वाले बड़े मशीन्स होते हैं और फिर हाथ से भी कपड़े धो लेते हैं, तो कपड़े धोने के बाद ऐसा एक इनका जो सुखाने का जो एक मशीन है, ये जो धोबी लोग हैं इन लोग ने खुद से अपने आप से बनाया एक जुगाड़ तरीके से, इसको स्पिन ड्रायर बोलते हैं, जिससे इसको इतने फास्ट तेज़ी से घुमाते हैं जिससे सारा जो पानी होता है वो साइड में ऐसे नोजल से निकल जाता है। भाई, ये साड़ी के बारे में थोड़ा बताओ क्या है? साड़ी है ना, जैसे आपके घर से बर्तन वाली लोग लेके जाते हैं, फिर बर्तन वाली लोग है ना चोर बाजार में लेके बेचते हैं, वहाँ से इनसे व्यापारी लोग लेते हैं,
व्यापारी लोग लेते हैं, फिर व्यापारी लोग हमको देते हैं धोने के लिए, फिर धो के फिर होलसेल का जो दुकान लगता है बड़े बड़े सेल, उसमें साड़ी सब बिकती है 150 में, 140 में, 130 में, होलसेल में सब साड़ी बिकती है। सो दोस्तों, अभी जो ये जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इसके बिना काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो लॉन्ड्रीज है, जो कपड़े धोने को आते हैं, वो बहुत सारे जगहों से आते हैं, हॉस्पिटल से भी आते हैं। तो जो भी हॉस्पिटल के लॉन्ड्रीज होते हैं, तो हो सकता है कि उसमें मतलब काफ़ी इन्फेक्शन हो, तो इस वजह से इसको ये जो है भट्टी का एरिया, इसको स्टेरिलाइजिंग डिपार्टमेंट आप बोल सकते हो। तो हॉस्पिटल के जो कपड़े होते हैं, उसको ये गर्म पानी में इसको डुबो के उसको काफ़ी समय तक बॉईल करते हैं, जिससे जो सब जो भी इन्फेक्शन है वो डिसइन्फेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी जो मैं ये जो सेक्शन में हूँ, ये आयनिंग सेक्शन है, जहाँ पर सब कपड़े धोने के बाद, सुखाने के बाद जो इस्त्री मारा जाता है, तो ये वो सेक्शन है। और मेरे साथ ये भाई साहब है, आपका नाम क्या है? अशोक भाई। तो ये यहाँ पर इनका जो काम है वो इस्त्री मारने का काम है। तो रोज़ाना दिन में कितने आप इस्त्री करते हो ऐसे कपड़ों के? 200 कम से कम। 200? आप अकेले? हाँ, अकेले मारते हैं। और आप जैसे बहुत लोग होंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर जो इस्त्री होता है, और ये पूरा जो इस्त्री मतलब ये जो धोने के लिए आता है, उसी में आ जाता है ना? सो दोस्तों, मैंने आपको पूरा प्रोसेस मैंने बताया, कपड़ा लाने से लेके धोने के बाद जो इस्त्री तक किया जाता है, वो सब मैंने आपको प्रोसेस बताया। तो एक आखिरी चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो लोग हैं यहाँ पर, जो लगभग 5,000 लोग यहाँ पर काम करते हैं, ये जो लोग हैं ये माइग्रेंट वर्कर्स है, ये मुंबई के नहीं है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार से बिलोंग करते हैं। मोस्टली ये जो लोग हैं वो धोबी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि यूपी से आता है। और ये जो कपड़े धोने का जो पूरा जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, जो पर पीस जो कपड़ा धोने का जो कॉस्ट लगता है, जो ये लोग चार्ज करते हैं, वो 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में होता है। अगर शर्ट और पैंट जो छोटे कपड़े होते हैं, उसका 10 रुपये लेते हैं, और जो अगर बड़ा सा कपड़ा है, जैसे कि टॉवल, बेडशीट, और उससे भी अगर कुछ बड़ा हो, तो उसके हिसाब से, लेकिन ऑन एन एवरेज 10 और 20 रुपये के बीच में इनका जो कॉस्टिंग होता है। सो दोस्तों, ये था इन्फॉर्मेशन धोबी घाट के बारे में, जो मुंबई के महालक्ष्मी एरिया में है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दो। मैं मुंबई के ऊपर एक पूरी सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्लेसेस पे मैं विज़िट करके उसकी जो हिस्ट्री है और उसके जो हिडन फैक्ट्स है, उसके बारे में आपको एक सिंपल लैंग्वेज में एजुकेट करूँगा। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, मैं हाजी अली में जाके वीडियो शूट करने वाला हूँ। आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे रिकमेंड कर सकते हो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर मैं करूँ। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जाने से पहले एक ही बात बोलूँगा, सब्सक्राइब करो या ना करो, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करना। लेकिन अगर आप मेरा नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना और बेल आइकॉन भी दबा देना, जिससे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।